डिस्काउंट आप ये चैनल के थ्रू से आइएगा तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। नाम करना कितना परसेंट डिस्काउंट बताइए। कम से कम ये भैया के थ्रू जा रहे 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट गाइस, इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के लिए मैं जाने वाला हूँ गलीफ स्ट्रीट। जिनको नहीं पता गलीफ स्ट्रीट क्या है, गलीफ स्ट्रीट एक पेट मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप के पेट मिलते हैं। और कुछ जैसे एग्जांपल में फेस ले लो, रैबिट, डॉग्स सब। तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मुझे एक डॉग लेना है, तो फाइनली आज मैं जाके चेकआउट करूंगा कि वहाँ पे क्या सीन है, किस प्राइस में मिल रहा है एंड क्या क्या ब्रीड मिल रहा है, सब मैं दिखाऊंगा आपको। एंड फिलहाल अभी मैं अपने दोस्त तरुण से मिलने जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे गलीफ स्ट्रीट। एंड रूम थोड़ा मैसी है पर ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं मिलने जा रहा हूँ तरुण से, तो कीप वॉचिंग। गाइस आज 10 जनवरी है और विंटर्स चल रहे हैं कोलकाता में, लेकिन आप अगर धूप देखोगे तो पूरा पसीना हो गया मुझे। अब मैं बाइक चला के आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा। हाँ क्या हुआ भैया? आपको मैं देख रहा था, वीडियो बता रहा था, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भैया, आपका वीडियो सब देखता हूँ भैया। गाइस एक सब्सक्राइबर मिला है मुझे, अपना नाम बताइए भैया। तरुण भैया। इनका नाम तरुण है। और आप मुझे मेरी वीडियोस कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। अच्छा एक फोटोग्राफ फोटो दे दो भैया। हाँ फोटो ले लो, कोई बात नहीं, एक फोटो दे दो भैया। चलो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। ओके नहीं हो, यहाँ से लेके गए फिर घर में कुछ हो गया तो हमने ले गए। अरे यार बहुत मस्त है यार, क्वालिटी अच्छा आएगा। बोलो बच्चा पसंद नहीं हो रहा है? भाई जब कुछ लेगा तो ले ही ले। कितना पड़ेगा भैया? 8.5। 8.5 कितना बोल रहे हैं? हम लोग कभी कुत्ता वत्ता पाले नहीं है, हम लोग पहला बार सोच रहे कुछ लेने का। कुत्ता लीजिएगा ना, इसका काला जो है ना पूरा रेड कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, मुंह देख रहा है कितना अच्छा है। गोल्डन
गाइस बहुत गर्मी है इधर और ये मार्केट में बिल्कुल भी कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है। अब देखो और फिर भी हम शूट कर रहे हैं जान को रिस्क पे डाल के। गाइस बहुत ही अलग अलग टाइप के कुत्ते हैं यहाँ पे और पहला बार भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आपको आना है तो आप मॉर्निंग 6 से 10 तक आओ और देखो इधर। छोटा सा ब्रेक लिया हमने इधर गन्ना का जूस पीने के लिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये मार्केट अभी भी एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है। अभी हम लोग बस थोड़ा सा ही एक्सप्लोर किए तो आगे का वीडियो आप देखते रहिए। Thank you.
खगड़िया मार्केट आ रहे हो तो बैग हमेशा आगे रखो, बैग कभी भी पीछे मत रखना, क्योंकि रिक्स है, आप हो सकता है आपकी चोरी भी हो सकती है बैग की या फिर चेन खोल के, तो हमेशा आगे रखो बैग को। अच्छा, तो आप बोले कि लैब लेने से सही रहेगा? लैब अच्छे सबसे बढ़िया रहता है, लो मेंटेनेंस का रहता है। मैंने कितना खर्चा पड़ता है? कम से कम आप पकड़ के चलो, अगर ड्राई फूड पैकेट फूड में रख रहे हो तो 2,000 से 2,500 रुपया, अगर होम फूड में रख रहे हो तो 1,000 से 1,500 रुपया। होम फूड में भी लैब ठीक रहेगा? आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। घर का जो चावल और सब खा सकते हैं? हां सब, जैसे आप हैबिचुएटेड बनाएगा वैसे। लेकिन मैं लैब तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम लोग को थोड़ा छोटा में चाहिए। छोटा में पोमेरियन ले लो, कॉकर स्पेनियल ले लो। लंबा लंबा कान, लंबा कान रहता है ना भैया। तो प्राइस कितना रहेगा भैया? 20,000 भैया। ये बहुत सुंदर देखने में। इसका हाइट कितना होगा? ये छोटा मीडियम साइज का होगा, ये पिंजरा से छोटा होगा, इससे छोटा होगा। हाँ। कॉकर स्पेनियल बोलते हैं इसको। कॉकर स्पेनियल इसका 20,000 प्राइस। 20,000 प्राइस। गोल्डन रिट्रीवर का कम से कम क्वालिटी बड़ा होता है, गोल्डन रिट्रीवर बड़ा होता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेड भी है, प्राइस किसी का सेम नहीं रहता है ना। हाँ। कभी थोड़ा कम रहता है, कभी थोड़ा हाई रहता है ना। 20,000। अब ये जो हम लोग बोल रहे कस्टम वो पोमेरियन, उसका क्या प्राइस? कल्चर पोमेरियन, सॉरी कल्चर पोमेरियन। देखिए ये सादा वाला, इसको कल्चर पोमेरियन बोलते हैं, ये स्मॉलर जर्मन स्पिट्स में आता है, ये पोमेरियन ग्रुप में। कल्चर पोमेरियन स्पिट्स और पॉम का क्रॉस को बोलते हैं। तो आपको 6,000 से 10,000 के अंदर मिलेगा। आपके पास कितने में अवेलेबल होगा? मेरे पास अभी व्हाइट कलर का है 6,500 रुपए दाम, ब्राउन का 8,500 से 9,000 रुपए दाम। मेरे पास अभी ब्राउन कलर नहीं है। कब तक अवेलेबल होगा वो तो अभी कोई पता नहीं। ब्राउन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का यूट्यूब चैनल क्या नाम है? मेरा यूट्यूब विकार वंदे ब्लॉग्स। आप एक काम कीजिए, आप हमको ना, आपको अभी कितना अवेलेबल कितना सब कुत्ता जो जो बोलिए सब। और लैब का कितना रेट होगा? लैब का 15,000 रुपये। बीगल रखते हैं? बीगल भी है। हमको चाहिए बाहर का ब्रीड। हाँ बहुत एक्स्ट्रा इटालियन ब्रीड चाहिए होगा। बहुत अच्छा ब्रीड का बच्चा है, 35,000 रुपये दाम। हाँ चलेगा। पेपर्स वगैरह सब मिलेगा? सब मिलेगा, प्रोमिनेंट मार्किंग। मैं एक बात हो जाइए, बीगल का मेंटेनेंस कैसा लगा? इसके लैब 15,000 गाइस। अगर आप डॉग ले रहे हो तो आप मेक श्योर करो दुकान से लो। आप ऐसे नॉर्मली जो बेच है उनसे मत लो, बिल्कुल ही मत लो। दुकान से लोगे तो आपको एक गारंटी मिलेगा। और ये भैया का नाम है जस्ट पेट्स, दुकान का दुकान है यहाँ पे गलीफ मार्केट में। और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है आपका, ये एसेसरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बड़े से बड़ा छोटे से सब। अंदर आप देख रहे हो कि एक्वेरियम वगैरह भी रखा हुआ है एंड फूड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। भैया आप डॉग का सब कुछ रखते हो? डॉग मछली का खाना, उसका एक्सेसरीज इधर आ जाओ, इसका फूड हीटर फीस नेट ऐसा सेटअप आपको अगर बनाना है मिल जाएगा। इधर आ जाओ भैया और भी दिखा दे रहा हूं। ये आपका डॉगी का बेड हो गया, बिल्कुल फ्री मिल गया, बहुत अच्छा बेड मिल जाएगा आपको। ये बेड का क्या प्राइस पड़ेगा? ये बेड का 1150 प्राइस है। 1150 प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप आओगे। डिस्काउंट आप ये चैनल के थ्रू से आइएगा तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। नाम करना, कितना परसेंट डिस्काउंट बताइए? कम से कम ये भैया के थ्रू जाएगा 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट गाइस, इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। 2,250। अच्छा इधर आओ, इधर ये देखो जितना ब्रीड का डॉग है सब आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे जितना ब्रीड का डॉग मिल जाए, स्मॉल ब्रीड ब्रीड हिसाब का रखा हुआ है। डॉगी का ठंडी के लिए भी स्विच मिल जाएगा आपको। गाइस ऑल इन वन है, मतलब आपको सब मिलेगा, उसका स्नैक्स मिलेगा, उसका चेन बेल्ट, बहुत सारा वैरायटी का है, बहुत सारा का टॉय है, कॉलर है। और ना नहीं कलेक्शन आया ये सर्दी के लिए। अच्छा कपड़ा, इसका कपड़ा बहुत डिजाइन का कपड़ा मिलेगा आपको।
A1 क्वालिटी का कमरा 350 से स्टार्टिंग है, आपको 2500 तक मिलेगा। ये भैया के चैनल का नाम करिए, 20% फ्लैट डिस्काउंट देगा। फ्लैट डिस्काउंट गाइस कहीं नहीं मिलेगा, और आपको सब भैया का नाम करना होगा। आपको सबसे अच्छा बात है, आपको एक दुकान में सब मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी भी एश्योरेंस मिल जाएगा आपको, रॉयल कैनन का डॉगी का फूड, उसका कैरी सब मिल जाएगा, उसका बाहर का खाना सब। गाइस इसका प्राइस कितना भैया इसका? इसका जो प्रिंट रहेगा MRP के ऊपर 10-15% डिस्काउंट है रॉयल कैनन का, बाकी 20-25%। ये बाहर का ऐसी नहीं है, ये बाहर भी बहुत अच्छा फूड है, ये इंटरनेशनल है गाइस, इसीलिए इस पर 10-15% डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप अगर लोकल लोगे तो 20% आपको मिल सकता है डिस्काउंट स्टेट। ये डॉगी का हाउस है, अब हाउस देख सकते हो, पिंजरा है ये डॉगी को रखने के लिए। हाउस कितना कितना प्राइस है इसका? 3200। इसका 3200 प्राइस है गाइस, और पूरा एकदम डॉग का है। इसमें आपको आराम से मीडियम ब्रीड तक जितना भी डॉग है सब आ सकता है इसमें, और ये नीचे आपको सब मिलेगा वो रखने के लिए, पिंजरा वगैरह ना ये। इधर आ जाओ आपको खाली आपको हमारे विकार बंदे ब्लॉग्स का यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा, आपको 10-15% डिस्काउंट स्ट्रेट ओवर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बल्कि दुकान एक बार दिखा दो ऊपर से, एक्वालाइफ एक्वेरियम, ये एक्वेरियम का है, वहाँ पे डॉगी का है। आपको कोई भी ब्रीड का आप डॉग ले रहे हो भैया, या कोई भी लाइफ पेट ले रहे हो, उसका ब्रीड का 1001% आपको गारंटी मिलेगा। जो जो ब्रीड KCI का रजिस्टर्ड रहेगा चीफ के साथ, वो पेपर्स भी मिलेगा, पेपर्स भी मिलेगा। ये भैया बहुत ही जेन्युइन लगे मुझे, ये आपको जो है लाइफ का जो है लाइफ आपको केयर करके रखना है। कोई भी लाइफ पेट्स में लाइफ का गारंटी नहीं है, ओनली ब्रीड का गारंटी है। हम आपको पपी आपके लविंग होम के लिए दे सकते हैं अडॉप्ट करके। आप मेरा संडे से लेकर मंडे रोज खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं। अगर डॉगी कुछ होता है डॉक्टर का भी अवेलेबल, डॉक्टर अवेलेबल है, उसका नाखून काटना आप कहीं बाद में बाहर जा रहे हैं, उसका प्लेस फैसिलिटी भी हम लोग के पास अवेलेबल है। वो चार्जेबल है, वो आपसे सर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट को मेरे नंबर पर फोन करिएगा, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, हॉस्टल वगैरह भी आप लोग सब देते हो, तो आप लोग अगर बाहर भी जाओगे, डॉग का एक प्रॉब्लम रहता है बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अब अगर गए तो भैया उनके लिए भी केयर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग का गलीफ स्ट्रीट का टूर हो गया खत्म। मगर हम लोग ने एक चीज़ नोटिस किया कि जिस कंडीशन में स्ट्रीट वाले लोग डॉग को रख रहे थे वो सही नहीं था। हाँ, फाइनली हमें एक जेन्युइन ब्रीडर मिला और उसका खुद का दुकान भी है। लेकिन एक सैड न्यूज़ गाइस ये है कि जो डॉग के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने गए थे वो करेंटली अनअवेलेबल था उसके पास, लेकिन एक वीक के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा, तो हम लोग फिर से जाएंगे गलीफ मार्केट। लेकिन अगर आपको डॉग लेना है तो गाइस प्लीज़ एक दुकानदार से ले, लोकल स्ट्रीट से बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर्स मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, एवरीथिंग। और तो, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। हाँ, तो उनका मैं कार्ड और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए एक बार। और हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से एक ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग। लीजिए एक बार।